को नाकाम बनाने के लिए हुकूमत की तैयारी। पंजाब असेंबली के मरकजी गेट को खारदार तारे लगाकर मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। इस हवाले से मजीद तफसीला जानेंगे अखलाक बाजवा से। जी अखलाक बाजवा, आगाह कीजिएगा हुकूमत की इस तैयारी के हवाले से। जी बिल्कुल, आज पंजाब असेंबली में अपोजिशन ने साबिक वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर एहतजाज की कॉल दे रखी थी और एहतजाज के हवाले से आज असेंबली हाथे में उन्होंने 3 बजे अवामी अदालत लगानी थी और उसके पेश नजर हुकूमत ने अपने हुक्मतली इख्तियार करते हुए पंजाब असेंबली के मरकजी गेट को खारदार ताले लगाकर मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है और मरकजी द्वारे पर पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। पंजाब असेंबली के इर्द गिर्द भी पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। मरकजी द्वारा बंद होने से असेंबली मुलाजमीन को भी अंदर जाने में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि असेंबली का गेट नंबर 2 भी नो गो एरिया बन गया है। वहां पर असेंबली मुलाजमीन जो है वो अंदर जाना चाहते हैं लेकिन उनको भी अंदर जाने की इजाजत अता हाल नहीं दी जा रही। अपोजिशन ने इस हवाले से 3 बजे जो है वो आज एहतजाज करना है। एहतजाज से कबल ही हुकूमत ने अपनी हिकमत अमली तैयार कर ली है और एहतजाज को नाकाम बनाने के लिए पुलिस की भारी नफरी जो है नाकाम बनाने के लिए हुकूमत ने हिकमत अमली तैयार करी है। बहुत शुक्रिया अखलाक बाजवा।